फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कमांड लर्निंग के बारे में। भाई, खेलना है तो माइनक्राफ्ट को स्मार्टली खेलो। नॉर्मल तरीके से तो हर कोई खेलता है, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्पेशल कमांड के बारे में जो मल्टीपर्पस है। अब जैसे मुझे यहाँ घर बनाना है, ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ नेदर पोर्टल है, रूइन वाला है, लेकिन ये बन सकता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ काऊ है, यहाँ ये एक बड़ा सा जगह है, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा। घर बनाने के लिए प्लेन जगह चाहिए ना। चलिए हम और तरीका अपनाते हैं, यानी कि नॉर्मल तरीका। मुझे अपने घर को बनाने के लिए इस जगह को प्लेन करना होगा। बहुत ईजी है, मेरे पास शॉवल है। अरे, ये तो कुछ ही देर का काम है, ये तो मैं अभी कर लूंगा। बस मुझे ऐसे करके ब्लॉक को तोड़ते जाना है। कितना मुश्किल हो सकता है ये, और कितना टाइम लगेगा इसे। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 2000 years later. हश, मैं इसे खोते खोते थक गया, न जाने कब तक खत्म होगा। अभी तक मैं इतना ही कर पाया बस। लगता है ये तो पूरा दिन ले लेगा। पर मेरे पास दूसरा तरीका भी है, क्यों ना कमांड्स का यूज किया जाए। अब मैं बताता हूं कि इस एरिया को प्लेन करने के लिए, विद इन सेकेंड्स में प्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये पूरा स्पेस जो है, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, जैसे ही मैं कमांड को प्रेस करूंगा, वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा जैसा कि मुझे चाहिए। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स ऑन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर मैं एक काम करता हूँ, जो शो कोऑर्डिनेट्स है उनको ऑन कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर। अब आपको करना ये है कि दो कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं, और उनके बीच में आपको वो कमांड करना है जिसका नाम है फिल। फिल जो कमांड है, वो किसी भी स्पेस को किसी भी ब्लॉक से भर सकता है। बस उसको आपको कोऑर्डिनेट्स बताने की ज़रूरत है कि आपको किस किस कोऑर्डिनेट्स के बीच में चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ देखा तो यहाँ लिखा हुआ 287, 865, 228। ओके, फिर आपको जहाँ तक इसको खाली करना है वहाँ तक आप जाइए, खासकर डायगोनली जाइए अगर आपको जाना है तो, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेड में भी आपको अगर डिफरेंस चाहिए दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, आप कैसे भी करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मुझे चाहिए, यहाँ से वहाँ तक मुझे चाहिए कि प्लेन हो जाए, पूरी तरीके से प्लेन हो जाए। तो यहाँ का मैं कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ, -259, 74, 205। तो ये मेरा एक कोऑर्डिनेट मैंने नोट कर दिया है। अब मैं बिल्कुल डायगोनली जाऊँगा, क्योंकि डायगोनली जाने से उसके बीच के पूरे ब्लॉक्स हट जाते हैं। ओ, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ खड़े हो जाता हूँ, मुझे चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ तक का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट को भले ही मैं नोट ना करूं, पर पहले वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको याद रखना पड़ेगा। अब मुझे कमांड प्रेस करना है स्लैश, उसके बाद लिखना है फिल। अब मैंने जो कोऑर्डिनेट नोट किए थे उसको वहां डालना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा फिल, उसके बाद वो कोऑर्डिनेट जो मैंने वहां नोट किए थे, वो था -259, उसके बाद 74, और ये है 205। ओके, तो मेन है जो आपको कोऑर्डिनेट है वो सही से नोट करना पड़ेगा। अब जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ टिल्डा 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 डाल दीजिए, ये साइन डाल दीजिए, तो जो जहाँ पर आप खड़े हैं उसका रेफरेंस ले लेगा। अब आपको सेट करना पड़ेगा ब्लॉक जिससे आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ हम एयर से रिप्लेस कर रहे हैं, पूरा खाली कर देंगे उसको। और देखिए, जैसे ही मैं इसमें प्रेस करूँगा बटन, आपके सामने गायब हो जाएगा। देखा ना, पलक झपकते ही एकदम विद इन सेकेंड्स आपका इतना एरिया पूरी तरीके से क्लियर हो गया, जिसको आपको खाली करते करते बहुत टाइम लग जाता। अगेन भाई, ये जो ट्यूटोरियल सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए है। अगर आप बहुत बड़ा चीज बिल्ड करना चाहते हैं और आप मेहनत करते जा रहे हैं, टाइम लगता है, बस आप कमांड का यूज कीजिए, वैसे ही आप क्रिएटिव में है, आपका काम विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा। अगर आप इसको सर्वाइवल में भी करना चाहते हैं तो बस आपको चीट्स ऑन करने पड़ेंगे, बाकी आप उसके बाद यूज कर सकते हैं इसको भी। अब यहाँ मेरा मस्त एक घर बन सकता है, बस इसको थोड़े बहुत रिपेयर की जरूरत है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डर्ट यहाँ पर लगा हुआ है, इसके सामने जो डर्ट लगा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ कोबलस्टोन से। मैं चाहता हूँ पूरे फ्लोर को चेंज करना, कैसे करूँ, ये भी फिल कमांड से होगा। मैंने कहा था ना कि ये मल्टीपर्पज कमांड है,
बस आपको करना ये है कि एक ब्लॉक इसमें गड्ढा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स थोड़े से नीचे वाले चाहिए। इस ब्लॉक में आपको चाहिए यहाँ से वहाँ तक का जो ब्लॉक है वो आपका कोबलस्टोन में बदलना चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट को सबसे पहले नोट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ तक आपको चेंज करना है फिर वहाँ जाना पड़ेगा। दे दो कोऑर्डिनेट आपके मिल गए, उसके बाद बस आपको वही कमांड डालना है। तो फिर से पुरानी जिंदगी, पुरानी में हम क्या करते थे, ये हटाया ये कोबलस्टोन रखा, ये हटाया ये कोबलस्टोन रखा, बोरिंग। अब हम उसी कमांड को फिर से यूज करते हैं। देखिए अब इस बार हम जाएंगे वापस फिल में स्लैश फिल, उसके बाद कॉर्डिनेट जो हमने वहां नोट किया था जो कि था -288 64 और उसके बाद था आई थिंक 225, तो 225 मैंने डाल दिया है। अब वापस टिल्डा 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 आपको याद रखना पड़ेगा, एक ब्लॉक को आपको गड्ढा करना पड़ेगा ताकि आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि कौन से कोऑर्डिनेट का आपको ब्लॉक चेंज करना है। अगर आप ऊपर खड़े रहेंगे तो एक ब्लॉक ऊपर वाला आपका पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको एक एक ब्लॉक गड्ढा करना पड़ेगा। अब नीचे लिखना पड़ेगा कोबलस्टोन, यानी जिस ब्लॉक से आपको इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। तो इस जगह को पूरी तरीके से हम कोबलस्टोन से बदलने के लिए इसमें कोबलस्टोन डाल देता हूँ। वल्ला देखिए आपका जो पूरा फ्लोर था वो कोबलस्टोन से बदल गया, आपको बार बार उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो फिल कमांड का यूज है ये यहीं खत्म नहीं होता, अभी तो भाई शुरुआत हुई है, अभी आप देखते जाइए फिल कमांड्स के और क्या क्या यूज है। अब सपोज यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा घर बनाना है, क्या करूँ, यहाँ मुझे एक पिलर चाहिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट कर लिए, अब इस जगह में चारों कोनों पर मैं पिलर्स बनाऊंगा और उन पिलर्स के ऊपर बनाऊंगा एक छत। तो भाई अगर मैं नॉर्मल वे में करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं इसके लिए वापस फिल कमांड यूज़ करते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट किए थे यानी -288 65 और 225, ये था मेरा जो कमांड था। अब मुझे इसको ऊपर 10 ब्लॉक तक कोबलस्टोन लेके जाना है, एक पिलर बनाना है। तो मुझे बाकी कोऑर्डिनेट सेम रखने पड़ेंगे, बस वाई एक्सिस को 10 आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वर्टिकली एक ब्लॉक का लंबा वाला जो पिलर है वो चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा -288 यानी सेम रहेगा, 65 की जगह 75 रहेगा यानी 10 ब्लॉक ऊंचा रहना चाहिए, और 225 इसके बाद हम वापस वैसे ही लिख देंगे कोबलस्टोन। तो उसके बाद देखिएगा कि कैसे ये पिलर बन जाता है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप कमांड टाइप करेंगे आपका पिलर तैयार है। वैसे ही सेम आपको चारों कोनों पे करना है, बस आपको जाके कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं और उस कोऑर्डिनेट में केवल और केवल जो वाई एक्सिस है उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको 10 ब्लॉक ऊंचा करना है, 10 ब्लॉक आगे करना है, बस इतना ही करना है आपको। और आपका जो पिलर है वो तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है -365 211, ठीक है, यहाँ का देखते हैं तो -280 65 211, ठीक है। तो कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, वापस मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, फिल करते हैं इसमें, उसके बाद जो कमांड हमने जो कोऑर्डिनेट हमने नोट किया था उसको डाल देते हैं -288 65 211, ओ भाई सॉरी 211, उसके बाद सिर्फ 10 ब्लॉक ऊपर बढ़ा देते हैं इसे, -288 करते हैं 75 करते हैं और 211 करते हैं। तो हमारा इस तरीके से लास्ट में कोबलस्टोन लिखने के बाद में आप किसी भी कमांड ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब सॉरी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक का। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कोबलस्टोन यूज़ किया है, तो यहाँ पर बढ़िया दूसरा पिलर भी बन गया है। अभी वैसे करके चारों पिलर हमें बनाने पड़ेंगे, तो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ। ठीक है, अब मेरे चारों पिलर्स बन चुके हैं, अब मुझे बनानी है इसमें छत। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कोऑर्डिनेट्स नोट करने पड़ेंगे डायगोनली, जैसे मैंने पिछले बार किया था, इस पिलर का और उस पिलर का। अब मुझे बनाना है छत इसके सबसे टॉप फ्लोर पे, टॉप वाले ब्लॉक पे, जो कि था 75 था वाई एक्सिस उसका। बस मुझे करना ये है, अगेन फिल का कमांड यूज़ करना है, इस जो पिलर थे उसके टॉप कोऑर्डिनेट से लेके उस पिलर के टॉप कोऑर्डिनेट तक, यानी ये था -288 65 था, उसको 75 तक हमने किया था, टॉप ब्लॉक 75 पर था इसलिए 75 लिख देते हैं, छत हमारा वहाँ पर होगा 211, और उसका जो था कोऑर्डिनेट, इस बार टिल्डा नहीं लिखना है आपको वरना नीचे तक आ जाएगा। अब आपको 300 करना है, -300 तो उसका कोऑर्डिनेट था, उसका टॉप ब्लॉक था 75 का,
सॉरी 57 नहीं 75 का था, और लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेटर 225 सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसका 225 था उसका 211 था। ओके तो इसको टू भाई कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल गलत मत करना वरना गलत हो जाएगा आपका, सब कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है आप कैसा कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं। तो आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कॉबल स्टोन डाल सकते हैं। तो यहाँ कॉबल स्टोन लिखेंगे तो सिर्फ केवल 75 वाले लेयर पे ही आपका जो कॉबल स्टोन है वो डल जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखिए ऊपर, वाह छत भी बन गई हमारी। तो देखा ना इस कमांड का यूज़ कितना बेहतरीन कमांड है, ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं पड़ा, सिर्फ कमांड टाइप करना पड़ा और इतना बड़ा काम हमने कर दिया। उतने जगह को हमने खाली कर दिया, इस फ्लोर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, इस पिलर को बना दिया और ऊपर से हमने छत भी बना दी। इसको करने में हो सकता था हमें नॉर्मल माइनक्राफ्ट में बनाते समय 1-2 घंटा का टाइम लग जाता, लेकिन ये विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर हमारा सब काम हो चुका है। तो भाई ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो बिल्कुल स्मार्टली खेलना चाहिए ना। अगर आपको और कमेंट्स के बारे में जानना है और ट्यूटोरियल जानना है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी आपके सामने लाऊंगा। तो भाई टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं बाद में, गुड बाय।